ठीक है, तो अभी मैंने जो बताया इनको मैं एक बार रन करके और दिखा दे रहा हूं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने जो ऑपरेटर आपको दिखाया, एक मिनट, ठीक है, इनको मैं एक बार प्रोग्राम में रन करके दिखा दे रहा हूँ, तो ये आपको ना ये जो पांचों ऑपरेटर हैं, ठीक है, और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, विंडो आपको विजिबल है, ए की वैल्यू ले ली हमने, क्या है, 10 ले ली मान के चलो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं वहां पर जो भी हो, ठीक है। बी की वैल्यू हमने क्या है, 2 ले ली, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर, ठीक है। मैंने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन में दोनों वेरिएबल को रख दिया और उनके साथ हम 1 बाय 1 ऑपरेटर को क्या है, चेक कर रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले लगाया डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, क्या जो ए और बी की वैल्यू है दोनों इक्वल है कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं है ना। अब देखो मैं इसको रन करूंगा तो इसने फॉल्स मेरे को दे दिया, ठीक है, फॉल्स दे दिया। और यदि मैं दोनों वैल्यू को इक्वल कर दूं, यहाँ पे भी 10 ले लूं, ठीक है, और मैं यहाँ रन करूंगा तो ये ट्रू दे देगा, ये ट्रू दे दिया, इसका रिजल्ट ट्रू दे दिया, ठीक है। तो ये तो अभी हम यहाँ रन करके देख रहे हैं, बगैर इसका ना ग्रेट एप्लीकेशन आगे जाके ना ग्रेट एप्लीकेशन है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। अब फिर मैंने मान के चलो यहाँ पर फिर कुछ ले लिया, 2 ले लिया, तो जो नेक्स्ट ऑपरेटर आपको बताया था, एक मिनट, इक्वल्स टू 2, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू ये वाला, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू बी। तो देखो यहाँ दिख ही रहा है ए बी के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, तो ठीक है इसको हम करेंगे तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, हमको रन किया तो ये ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है, ट्रू रिटर्न कर दिया, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू क्या है, 2 है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है और नॉट इक्वल्स टू हमने लगाया है, तो नॉट इक्वल्स टू लगाया है तो ये ना हमको ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब मान के चलो इनके से इक्वल होते, अब नॉट इक्वल्स टू लगाया है तो हमको फॉल्स रिटर्न करके दे देगा, क्लियर है? यस सर। हाँ हाँ सर। और मेरी क्लास के बाद आप खुद रन करके देखोगे तो आपको चीजें और क्लियर होंगी, जब आप खुद से रन करके देखोगे टाइप करोगे, ठीक है। फिर हमने देख लिया इक्वल्स, डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। अब मैं लगा रहा हूं कौन सा ऑपरेटर, अब लगा रहा हूं मैं ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन, और यहां पर मैं लगा दे रहा हूं सब कुछ 2, 2 मैंने लगाया ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। अब मैंने ए ग्रेटर देन बी लगाया, क्या ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है? ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 2 है, क्या ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है, बड़ी है? यस सर। हाँ सीधी सी बात है, 10 बड़ा है 2 से, तो मैं इसको चेक करूंगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ट्रू ट्रू दे दिया, ठीक है। और हमने देखा था ग्रेटर देन, ठीक है, फिर देखा ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या, या तो ये वाला ऑपरेटर सही होना, ये वाली कंडीशन सही होनी चाहिए, या तो ग्रेटर वाली या इक्वल वाली, दोनों में से एक कंडीशन सही होनी चाहिए, दिखा रहा हूँ, देखो एक मिनट, पेन क्यों नहीं आ रहा मेरे, ए ग्रेटर देन
और इक्वल टू बी। तो इसमें क्या है, दो का कॉम्बिनेशन, ग्रेटर देन का, इक्वल का। तो इसमें ना दोनों में से कोई कंडीशन सही होनी चाहिए, या तो ए ग्रेटर देन बी सही होना चाहिए या ए इक्वल टू बी सही होना चाहिए। दोनों में से एक और दो, दोनों में से कोई भी कंडीशन एक ट्रू हो तो ये ट्रू कर देगा हमको रिजल्ट। देखो दिखा रहा कैसे, ठीक है। तो अभी यहां पर कौन सी कंडीशन ट्रू है, ए ग्रेटर देन बी वाली ट्रू है। तो मैंने इसको रन किया तो ये ट्रू दे देगा हमको, ये ट्रू दे दिया, ठीक है। और अदरवाइज मैं यहां पर टेन लेता, मैंने यहां पर टेन लिया तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, सही है ये टू वाली। एक मिनट, ये इक्वल्स टू वाली कंडीशन सही है, इक्वल्स टू वाली, ये वाली, ये वाली कंडीशन, ये वाली, ये, ठीक है। तो अब मैंने इसको रन किया तो ये तब भी क्या है, ट्रू हमको दे देगा, ठीक है। हमने देख लिया, देखो ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, अब बचा हमारा लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो अब मैंने लगा दिया यहाँ पर लेस देन, लेस देन, ठीक है। और यहाँ पर कुछ और लगा दे रहा हूँ मैं, वही जो टू लगा था। अच्छा मैंने लगाया a लेस देन b, a लेस देन b। अच्छा एक बार बताइए, a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 2 है, तो a क्या b से छोटा है? नो सर। तो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? फॉल्स। देखो मैं रन करके दिखा रहा हूँ इसको, मैंने रन किया, a दे दिया इसने यहाँ पर फॉल्स। क्लियर है? यस सर। हाँ और एक और बता, हाँ और एक और लगा के बता दे रहा हूँ, लास्ट वाली कंडीशन लेस देन और इक्वल्स टू, ठीक है। अब मैंने लेस देन और इक्वल्स टू लगा दिए, ठीक है। तो अब देखो दोनों में से एक कंडीशन शुरू सही होनी चाहिए, या तो लेस देन वाली या तो इक्वल्स टू वाली, ठीक है, या तो लेस देन वाली या तो इक्वल्स टू वाली। तो यहाँ पर लेस, यहाँ पर कौन सी कंडीशन, यहाँ पर ना ही लेस देन वाली सही है ना ही इक्वल्स टू वाली सही है। तो ये हमको इसको रन करेंगे तो हमको दे देगा फॉल्स, ठीक है। और यदि हम अब यहाँ पर बंद कर दें, बंद कर दें, तो इस केस में हमको ये ट्रू दे देगा। देखो ट्रू दे दिया क्योंकि वन टू से छोटा है। और यदि हम दोनों को इक्वल भी कर दें, दोनों को टू कर दिया, तब भी ना ट्रू दे देगा, ठीक है। अच्छा एक बार बताइए, ये चीज अब आपकी क्लियर हुई? यस सर। यस सर। सारी की सारी चीजों को अभी क्लियर करते जाना, क्योंकि देखो हम जो चीजों को पीछे देख रहे हैं उन्हीं का आगे यूज कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हेलो, जैसे डेटा टाइप में इंट ए भी देखा था, उसका यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हेलो, यस सर, ठीक है। ठीक है, ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर यहां पर एंड होता है, ठीक है। फिर आपका आगे आता है बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। तो बिट वाइज ऑपरेटर नाम समझ में आ रहा है, बिट, बिट होता क्या है, कंप्यूटर किस लैंग्वेज पे काम करता है, जीरो वन पर काम करता है, ठीक है, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी। तो बाइनरी में दो ही अंक होते हैं, एक होता है आपका जीरो, ठीक है, और एक होता है वन, ठीक है। तो ये जीरो और वन को अपने आप में हम बोलते हैं बिट, सिंगल बिट, ये अपने आप सिंगल बिट है, ये अपने आप में सिंगल बिट है। तो ये जो बिट वाइज ऑपरेटर है, ये नाम समझ में आ रहा है, बिट वाइज। तो बिट वाइज ये किस पे ऑपरेट होता है, ये बाइनरी वैल्यू पर अप्लाई होते हैं। बाइनरी वैल्यू मीन्स यदि मैंने ए ले लिया फाइव, ठीक है, फाइव ए मतलब डेसिमल में जो हम यूज करते हैं जनरल टर्म में, ठीक है, बी ले लिया टू, ठीक है। तो जो ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, ऑपरेटर इनकी बाइनरी वैल्यू पर अप्लाई होंगे। जैसे 5 की बाइनरी वैल्यू होती है 105, 105
हमने क्या है इनको 8 बटे पर रिप्रेजेंट करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 बिट पर रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पर जीरो लगा दी। ठीक है, 5 की जो वैल्यू बाइनरी वैल्यू होती है 101 होती है, और 2 की जो बाइनरी वैल्यू होती है 10 होती है। ये किसी को पता है कि नहीं पता कैसे होती है, इसको और बता दें। हेलो, डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल आप लोगों को पता है? यस सर, एक बार बता दीजिए। ठीक है, बता दे रहा हूँ। स्टॉप शेयरिंग हो गया। यहाँ पर मैंने लिया एक न्यू स्लाइड ले ली। ठीक है, जो हम डेसिमल नंबर्स यूज करते हैं इसमें 0 अप टू 9 डिजिट होते हैं। ठीक है, डेसिमल। और जो हम बाइनरी यूज करते हैं उसमें 2 ही डिजिट होते हैं, 0 1। ठीक है, हम किसी अपने बाइनरी देखो किसी नंबर को किसी बाइनरी सॉरी डेसिमल नंबर को यदि हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहें तो उसका एक तरीका रहता है, बता रहे हैं आपको। सपोज मैं 5 को ही कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैंने लिया 5। ठीक है, मैंने लिया 5 और इसको हम ऐसे LCM जैसे बना लेते हैं। ठीक है, LCM जैसे। ठीक है, पर हमने क्या किया, इसको क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड किया तो ये जाएगा 2 टाइम्स जाएगा और हमारा रिजल्ट जाएगा 4 और यहाँ पर ये 1। यहाँ रिमाइंडर लिखते जाते हैं, यहाँ पर सीज पर या रिमाइंडर लिखते जाते हैं। ठीक है, ये ठीक है। तो 2 देखो 2 जो होता है 4 और रिमाइंडर यहाँ बचा 1, 5 में से 4 गया। ठीक है, फिर अगेन हम क्या करते हैं फिर इसको 2 से डिवाइड किया, हर टाइम क्या है 2 से डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाए ये कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, क्योंकि भाई देखो हेलो यस सर एक मिनट कुछ गड़बड़ी हुई, प्रेस कर लूँ। 0 to up to 9 डिजिट। डेसिमल एंड बाइनरी 0 1। ठीक है, हमने सपोज ले लिया 5। ठीक है, फिर हम इसको LCM जैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर हम करते हैं 2 से। ठीक है, 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, और यहां हम लिख देते हैं 1। ठीक है, रिमाइंडर लिखते हैं सिर्फ पर। ठीक है, फिर अगेन हमने 2 से दिया, हर टाइम 2 से देते हैं, फिर 2 से दिया कितनी बार गया, 1। ठीक है, और रिमाइंडर यहां कितना आया, 0 आएगा। Yes, sir. हाँ, 2 में से 2 गया तो 0 ही आएगा। ठीक है, yeah. फिर देखो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा क्या बचा, देखो यहाँ से नीचे से लेके नीचे से बता रहे नीचे से 0 कैसे आएगा, 0 ऐसे आएगा, 2 में हम 2 का भाग देंगे तो गया 1 टाइम, और शेषफल कितना बचेगा, 0 0। और यहाँ पर शेषफल कितना बचा था, 1। हाँ ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ नीचे से, ठीक है नीचे से, ठीक है क्या करते हैं अभी देखो 101 बिट के फॉर्म में आ गए तो नीचे से, ठीक है बॉटम से हम बिट को लिखना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, यहाँ से। तो पहली बिट मिली हमको ये, दूसरी ये, तीसरी ए। ठीक है, पहली बिट ये है, दूसरी ये है, तीसरी ए है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो हम क्या लिख देते, पहली बिट आई हमारी 1। ठीक है, दूसरी जो बिट आई 0। ठीक है, तीसरी जो बिट आई है उसको लिख देते हैं हम 1। ठीक है, तो हमारा ये नंबर आ गया 101। ठीक है, बट हम जनरली 8 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं
तो हमारी थ्री बिट है, तो हम क्या कर देते हैं, देखो कोई नंबर में आगे जीरो लगा दें तो कोई मतलब नहीं होता, तो ठीक है तीन बिट है, तो तीन बिट है हम एट बिट में रिप्रेजेंट करते, तो हम पांच एक्स्ट्रा जीरो लगा देते, एक दो तीन चार पांच वन जीरो वन, यदि हमने आगे जीरो लगा दिया कोई मतलब नहीं, एट बिट है, ठीक है। तो अभी मैंने जो आपको फाइव का बताया था, तो आपका फाइव का ना बाइनरी नंबर ये होता है, ठीक है। और इस पर ना अलग से मैं कोई वीडियो की लिंक होगी ना तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अभी इतना समझ लीजिए कि ये बिट वाइज ऑपरेटर है, तो ये किस वैल्यू पे काम करता है, बिट बाइनरी वैल्यू पर काम करता है, ठीक है। तो फाइव की जो वैल्यू होती है होती 101, और टू की वो आपको दिखा दे रहा हूँ, टू की क्या होती है निकाल के एक बार, ठीक है। तो सेम तरीके से हम टू की निकालेंगे, ठीक है, टू की। तो टू इसका बेस है क्या, टेन है, और हमको निकालना है बाइनरी मतलब बेस टू, ठीक है। तो हम सेम एलसीएम जैसे बनाते हैं इसको, ये लिखा हमने टू, ठीक है, टू से डिवाइड किया, तो टू से हम टू में जब क्या है कि डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो जीरो, ठीक है। और कितने बार गया, वन वन टाइम गया, यस सर, हाँ ठीक है। पर जैसे यहां किया था तो ऐसे इसमें भी नीचे से क्या बिट को अरेंज करना स्टार्ट करते हैं, नीचे से ऊपर, ठीक है, बॉटम टू अप, ठीक है। तो हमको ये पहली बिट मिली, ये पहली वन, ठीक है, यहाँ पर पहली बिट और ये दूसरी बिट। अब हम इनको लिखना स्टार्ट करेंगे, वन टू, तो जो पहली बिट हमको मिली है वन, ये वाली वन, ठीक है, और दूसरी बिट मिली है जीरो जीरो, ठीक है। तो हम जो हमको जो नंबर मिला है वन जीरो, तो ये टू डिजिट फॉर्म में है, टू डिजिट, ठीक है। हम जनरली लिखते हैं एट बिट में, तो हमने इसमें सिक्स एक्स्ट्रा जीरो लगा दिए, एक दो तीन चार पाँच छः, तो एट बिट में हमारा नंबर आ गया, ठीक है। तो हमारा नंबर आया ये, क्लियर है। और यदि क्लियर ना भी हुआ हो तो ना हम देखो इस नंबर सिस्टम पर मैं ना वीडियो अलग से भेज दूंगा, ठीक है। तो सर सामने कितने भी जीरो लगाते जाएंगे, बिट रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है, यदि हम 8 बिट पर 8 बिट में लगा रहे हैं, ठीक है, 8 बिट, तो उसके हिसाब से जीरो लगा दिए 8 बिट के हिसाब से। अच्छा, मतलब 8 संख्या कंप्लीट होनी चाहिए, हाँ, बिट रिप्रेजेंट, मेमोरी बाइट के फॉर्म में होती कि नहीं, बाइट यस सर। और एक बाइट में कितने बिट होते हैं जी, 8 होते कि नहीं, 8 बिट, यस सर, हाँ, इसलिए, ठीक है। तो हम फोकस करते हैं अभी ऑपरेटर पर, तो अभी ऑपरेटर के काम पर फोकस करते हैं, तो ये करता क्या है, ठीक है। तो ये फाइव की वैल्यू है और ये टू की वैल्यू, ठीक है। अब हम वन बाय वन बता रहे हैं ये करते क्या है, ठीक है। तो ये ना आपका एंड ऑपरेटर है, ठीक है, एम्परसेंट, ठीक है, एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर आपका क्या करता है, मल्टीप्लाई करने का काम करता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने का काम कैसे करता है, बिट बाय बिट, बिट बाय बिट, कैसे बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये मैं यहां पर जैसे फाइव की वैल्यू है, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, 101, और टू की ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है, एक दो तीन चार पांच छ 10, ठीक है। तो ये ना बिट बाय बिट मल्टीप्लाई करता है, मतलब क्या है, इसकी जो ना सपोज यहां से कंसीडर कर लो, चाहे लास्ट से, इसकी जो फर्स्ट बिट है, फर्स्ट बिट का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट बिट से करेगा, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से, फोर्थ का फोर्थ से, फिफ्थ का फिफ्थ से, सिक्स्थ का सिक्स से, सेवंथ का सेवंथ से, और एट्थ का एट्थ से, बिट बाय बिट, मतलब पहली बिट ए की पहली बिट का, ए का जो पहली बिट का मल्टीप्लाई करेगा बी की पहली बिट से, ए की जो दूसरी बिट है उसका मल्टीप्लाई करेगा ए की दूसरी बिट से, ऐसे सोवन चलते जाएंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या है, देखो यहाँ पर इसका इसका जीरो निकल के आएगा, यहाँ पर भी जीरो निकल के आएगा, ये जीरो निकल के आएगा, 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 जीरो, क्योंकि यहाँ वन इंटू वन, एक मिनट मैं पेन चेंज कर देता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वन इंटू जीरो, पेन चेंज नहीं, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर ये वन इंटू जीरो, ठीक है, तो रिजल्ट निकल के आ गया जीरो,
जीरो इंटू वे वन, रिजल्ट निकल के आएगा जीरो, ये जीरो, तो इसलिए रिजल्ट निकल के हमारा जीरो 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 जीरो, तो ये डेसिमल में भी जीरो होगा। क्लियर है सर? ये जोड़े गए हैं कि माइनस टेन मल्टीप्लाई किए गए हैं, मल्टीप्लाई। बिट बाय बिट जोड़े नहीं गए, मल्टीप्लाई किए गए। हेलो यस सर, मल्टीप्लाई किए गए, ठीक है। फिर ये हमने देखा था क्या है कि ये क्या मल्टीप्लाई करने का काम करता था। फिर आपका जो ए ऑपरेटर है, एक और, ठीक है, ये आपका पाइप ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है, पाइप ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं लॉजिक, ये प्लस, तो ये ना बिट को ना वन बाय बिट बाय बिट ऐड करने का काम करता है, बिट बाय बिट ऐड, वहां पर मल्टीप्लाई हुआ था, ऐड करने का काम करेगा। कैसे बता रहा हूं आपको, जैसे ए की वैल्यू है जीरो, एक दो तीन चार पाँच छ सात, एक मिनट, ये नहीं, ठीक है, वन जीरो वन, ठीक है। और जो आपकी बी की वैल्यू, चलो दूसरे कलर के पेन से ले जाए आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है, जीरो 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 वन जीरो, ठीक है। अभी आपको प्लस करता क्या है, ये वाला सिंबल, लॉजिकली इनको ना प्लस करने का काम करता है, ठीक है। और ये कैसे करता है, बिट बाय बिट करता है। बिट बाय बिट मतलब क्या होता है, हमेशा देखो बिट बाय बिट की मीनिंग समझ लो, मतलब जो पहली बिट होगी तो पहली बिट का पहली बिट के साथ प्लस करेगा, दूसरी का दूसरी के साथ प्लस करेगा, तीसरी का तीसरी के साथ प्लस करेगा, चौथी की चौथी के साथ, ऐसे सो ऑन, ठीक है। तो उसको जो रिजल्ट निकल के आएगा, देखो बता रहे हैं यहाँ पर, रिजल्ट आपका निकल के आएगा जीरो 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 जीरो, ठीक है। फिर यहाँ पर वन प्लस जीरो, वन ये वन प्लस जीरो वन, ठीक है। फिर ये जीरो प्लस वन वन, और यहाँ वन प्लस जीरो जी, यहाँ वन आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो ट्रिपल वन है ये बाइनरी में है, और डेसिमल में इक्विवेलेंट सेवन होता है, सेवन। अब जब आप सेवन को जब बाइनरी में कन्वर्ट करोगे ना, तो ये रिजल्ट निकल के आएगा ट्रिपल वन, क्लियर है? यस सर। हाँ फिर आपका आता है, मैं इनको अभी प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है, जिससे और क्लियर हो जाए। तो ये आपका आता है मल्टीप्लाई, ये आपका होता है प्लस, ये आपका होता है एक्सोर, ठीक है। एक्जोर आपका करता क्या है, और एक्जोर आपका परफॉर्मेंस क्या करता है, देखो मैं फिर से बिट को लिखते बता दे रहा हूँ, ट्रिपल, एक दो तीन चार पाँच वन, जो बी की वैल्यू है एक दो तीन चार पाँच छ वन जी, ठीक है। तो एक्जोर आपका करता क्या है, यदि यहाँ पर आपको क्या है, बिट पैटर्न यदि चेंज, बिट पैटर्न यदि आपको चेंज मिला, ठीक है, बिट पैटर्न चेंज मींस क्या होता है, यदि मैं एक्जोर लगा रहा हूँ, एक्जोर, तो वन एक्जोर, जीरो आपका होगा वन,
और जीरो एक्सोर वन भी आपका होगा वन। यदि बिट डिफरेंट है, देखो जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, बिट यदि डिफरेंट है तो वन निकल के आता है, यदि सेम बिट है तो जीरो निकल के आता है। मैंने लगाया वन एक्सोर वन तो रिजल्ट आएगा आपका जीरो, और जीरो एक्सोर जीरो तो आपका आएगा रिजल्ट निकल के जीरो। इसका मतलब एक्सोर करता क्या है, यदि दोनों बिट क्या है कि यदि डिफरेंट है, मतलब एक जीरो है या तो वन है, ठीक है, एक यदि जीरो है या एक तो वन है, तो ये रिजल्ट हमको वन देगा। फिर से बता रहा हूँ, एक मिनट, यदि एक जीरो है, ठीक है, यदि एक जीरो और एक वन है तो ये रिजल्ट हमको वन देगा, ठीक है। इधर इसका उल्टा है, एक वन है तो एक जीरो है तो ये रिजल्ट हमको वन देगा। सर यदि दोनों वन होंगे तो जीरो देगा ना? हाँ दोनों वन होंगे तो जीरो देगा, और दोनों जीरो भी होंगे तो भी जीरो देगा। और एक कैरी भी लगा देता है ना सर ये? क्या कैरी भी लगा देता है ना ये? अभी आप उस पर मत जाइए, लॉजिकल एडिशन पर मत जाइए अभी, ठीक है। आप जो जो एडर वगैरह सर्किट होते हैं डिजिटल सर्किट, अभी उस पर मत जाइए, वो एडर सर्किट अलग होता है डिजिटल सर्किट में, सिस्टम में, ठीक है। एक्जोर मतलब एक्जोर क्या करता क्या है, ये डिफरेंट बिट हैं, डिफरेंट बिट दोनों, तो ये वन रिटर्न करेगा वन। यदि डिफरेंट बिट है, देखो फिर से लिख दे रहा हूँ, डिफरेंट तो ये देता है हमको वन, यदि सेम बिट है तो ये देता है हमको जीरो। तो देखो अब ये बिट बाय बिट हम कर रहे हैं इनको, ठीक है, तो ये वन से हम जीरो पर गए। देखो यहाँ ए है, ए की वैल्यू ए है, ए ठीक है, ए बी बिट बाय बिट दिख रहे हैं हम, ठीक है। देखो यहाँ पर एक है वन और यहाँ पर एक है जीरो, दोनों डिफरेंट है कि नहीं है? हेलो हेलो यस सर। हाँ अच्छा एक बात बताओ, ये जो बिट है वन है और ये बिट जीरो है कि नहीं, दोनों डिफरेंट है कि नहीं है, सेम है? डिफरेंट है सर। हाँ डिफरेंट है सर। हाँ तो इसका रिजल्ट निकल के आएगा वन आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आए, देखो इस साइड से लेफ्ट, देखो राइट, हम ले रहे हैं राइट से, ठीक है। फिर यहाँ पर आए, ठीक है, राइट से सेकंड, तो ये जीरो और ये वन डिफरेंट है कि नहीं है? डिफरेंट है। हाँ तो वन दे देगा, ठीक है। अब ये वन और जीरो डिफरेंट है तो यहाँ पर भी वन दे देगा। फिर जीरो और जीरो ये सेम है ना? सेम, यस सर। तो जीरो दे देगा, फिर ये जीरो और जीरो सेम दे देगा, फिर ये फिर सेम दे देगा जीरो, फिर सेम दे देगा, फिर सेम दे देगा, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा ये भी सेवन निकल के आएगा, ये सेवन। तो ये ना डेसिमल में ना इक्विवेलेंट होता है सेवन की, डेसिमल में इक्विवेलेंट होता है सेवन की। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, अभी आपकी क्लास क्या है कि एक मिनट में एंड हो जाएगी, तो आपको करना क्या है, सेम लिंक पर क्या है कि रिज्वाइन कर लेना, ठीक है, सेम लिंक पर रिज्वाइन। ओके सर। हाँ अभी आप क्या करेंगे, सेम लिंक पर क्या है, आप रिज्वाइन कर लीजिएगा।